पोस्ता के विवेकानंद फ्लाईओवर को तोड़ने का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त हम लोग मौजूद है पोस्ता के स्टैंड रोड में, जहाँ पर सड़क के मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये कार्य फ्लाईओवर के पिलर को हटाने के बाद जो गड्ढे बने थे उसका मरम्मत चल रहा है। खासतौर पर फ्लाईओवर के तोड़ने के दौरान स्टैंड रोड का कई हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में निगम की ओर से इन क्षतिग्रस्त सड़क को पूरी तरह मरम्मत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसे सुचारू रूप से वाहनों के यातायात के लिए चालू किया जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो आगामी शुक्रवार से स्टैंड रोड को वाहनों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल पोस्ता फ्लाईओवर को तोड़ने के दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। फिलहाल गणेश चाकी से ग्रीस पार्क क्रॉसिंग तक विवेकानंद रोड के आंशिक हिस्से को बंद कर दिया गया है। वहाँ पे उस हिस्से को अभी तोड़ने का काम चल रहा है। ऐसे में हावड़ा ब्रिज से उत्तर की कोलकाता की तरफ, खासतौर पर श्याम बाजार व शोभा बाजार की तरफ जाने वाले वाहनों को हावड़ा ब्रिज से मीरबहार घाट रोड होकर के टाइगर स्ट्रीट के बाद गणेश चाकी क्रॉसिंग से बाएँ रवीन सरनी होकर वापस बीडन स्ट्रीट या फिर बीके पाल एवेन्यू से रवि सी आर एवेन्यू की तरफ मोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एमजी रोड के रास्ते सेंट्रल एवेन्यू के रास्ते वाहनों को ले जाया जा रहा है। ऐसे में सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है ट्रैफिक नियंत्रित करने में। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की माने तो एक बार स्टैंड रोड चालू होने से इन वाहनों के वाहनों का प्रेशर सड़कों पर कम हो जाएगा और उन्हें ट्रैफिक डाइवर्सन में काफ़ी सहूलियत होगी। कैमरा पर्सन प्रत्यय के साथ मैं दीपक, कोलकाता।